जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। तो गाइस, आपके लिए यह प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन मैंने ला लिया है। ये हमारी कौन सी क्लास है? तो हमारी ये 8th नंबर की क्लास है और डेली ही हमारी ये क्लास अपलोड होती है। और आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखते ही देखते होंगे आप लोग। और गाइस, एक अच्छी सी बात मैं ये बता दूं आपको, अगर आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका नीट, पीएनएसटी और सभी मेडिकल एग्ज़ाम और आपका डाइट और पी वेटनरी और पीएटी वाले स्टूडेंट को भी काम में आने वाले हैं। तो चलिएगा, सेशन स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ना कि हमारी यह बातें। देखिएगा, तो मैं आपको डेली जो है 15 क्वेश्चन करवाता हूँ और 15 में आपको नीचे कमेंट्स करना है कि आपने कितने मार्क्स को गेन किया है और आपकी स्टडी कैसे चल रही है। रिव्यू जरूर प्रदान करें अपना नीचे में। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान की कोशिकाओं की क्षति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। देखिएगा, अधिव्रक ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, आपका स्प्लीन या फिर आपका पीनियल ग्लैंड। तो बात कर लूँ करेक्ट आंसर की, आपको दिया जाता है 2 सेकेंड आंसर चुनने के लिए। जी हाँ, तो क्या आंसर होगा? देखिएगा, अगर आपने किया है थाइमस तो बिल्कुल सही होगा। और थाइमस ग्रंथि से कमी के कारण कौन सा रोग होता है, चलिए क्या होगा आपको यह बताना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि PBR 322 में आपका फर्स्ट और आपका PVUI स्थलों के मध्य एक जीन ऑफ स्ट्रेट को क्लोन किया जाता है, परिणामी प्लाज्मिडियम में खालिस्तान प्रतिजैवी युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो देखिएगा, पहले तो बात कर ली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है केवल एम्पीसिलियन, सेकंड में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, थर्ड में दिया आपका केवल टेट्रासाइक्लिन, और ऑप्शन नंबर फोर में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर फोर में आपको दिया है एम्पीसिलिन और आपका टेट्रासाइक्लिन दोनों। तो बात कर ले करेक्ट आंसर की, तो गाइस अगर आपने केवल टेट्रासाइक्लिन किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा स्लो ही करेंगे इस, इतने ही क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग जो है इसका रिवीजन जी आसानी से कर सके। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मासिक धर्म में किस हार्मोन्स की कम होने से मासिक धर्म होता है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन या फिर आया था सेकेंड है आपका थायरेक्सिन, थर्ड है आपका एस्ट्रोजन और फोर्थ है आपका फ्लिक सिम्यूलेटिंग हार्मोन्स। तो देखिएगा गाइस, बात कर ले करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर आपको दिया गया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, प्रोजिस्ट्रॉन अगर आपने प्रयास किया है तो आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सही होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे गाइस। ये 15 मिनट आपकी लाइफ को चेंज करेंगे अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे तो। देखिएगा क्या है आगे, किस समूह में प्रजनन की विधि केवल लैंगिक है? एक है पहला ऑप्शन आपके लिए टेनोफोरा, सेकेंड आपको पोरीफेरा, थर्ड है आपको प्रोटोजोआ और से आपका फोर्थ है आपका थ्री और फोर्थ है आपका सिलेंट्रेटा। तो आंसर आप लोग कर सकते हैं, अगर आप सभी बच्चों ने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टीनोफेरा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व सुन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है, कौन सर कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके लिए रखा गया है कोशिकाएँ एक विशेष स्थिति तक ही सीमित होती है, ऑप्शन नंबर बी रखा गया है वे स्पर्श संबंध के गुणधर्म को खो देती है, ऑप्शन नंबर थर्ड में रखा गया है वे स्थानांतरण का प्रदर्शन करती है, वे विभेदन से नहीं गुजर सकती है। देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज दिया है ना आपको, ये देखिए पूरा इंग्लिश में दिया है आपको,
तो इसने क्या किया है, इसमें गूगल ट्रांसलेट में डाला इसने, आप लोग भी इसे क्या करें गूगल ट्रांसलेटर में डालिए, आपको सेम एज इट इज़ आपको जैसा है वैसा ही ट्रांसलेट करके मिलेगा। इसीलिए जो है आपको कन्फ्यूज़न जाती है गाइस समझने के लिए, बस कुछ नहीं होता, यही फंडा होता है आपका एग्ज़ाम का। चलेगा, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं तो कोशिकाएँ एक विशेष स्थिति में सीमित हो जाती है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है गाइस, क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा बढ़ते आगे, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक गैर सामरिक संरक्षण विधि है, तो आपको बताना है बायो रिजर्व होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन होगा, या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान होगा, या फिर आपका अभ्यारण होगा। तो बात कर ले इसके करेक्ट आंसर की, तो गाइस अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सेकंड तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका निम्न ताप परिरक्षण, मतलब क्या होगा आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी की मछली है, फ्रेश वाटर की मछली कौन सी है। ये क्वेश्चन गाइस मेरी रेगुलर क्लासेस जो होती है मॉर्निंग 6 बजे से, वहाँ पर मैंने आपको एज इट इज़ क्वेश्चन करवाया है। देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रखा गया आपका सारडाइन, सेकंड में रखा गया आपका हिल्सा, थर्ड में आपका रखा गया है मैकेरल, और चौथे में आपको रखा गया कॉमन कार्प्स। तो देखिएगा आंसर क्या चूज किया था आपने, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो बहुत सारा बच्चा बिल्कुल सही करने वाला है क्योंकि उन्होंने रेगुलर हमसे क्लासेस लिया है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है कि आपका एनीमिलिया में व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधारित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए संगठन के स्तर, या फिर आपका समिति, या फिर आपका शारीरिक गुहा का शारीरिक गुहा या प्रगुहा, या फिर आपका गमन। तो बात कर ले करेक्ट आंसर की, तो गाइस क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा लोकोमोशन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका क्या है गमन होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था इन्होंने। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है, कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, शिशुओं में होती है, भ्रूण में होती है, या फिर आपकी चलिए वृद्धों में होती है, या फिर आपको वयस्कों में होती है। तो गाइस अगर आप सभी ने चूज किया है इस क्वेश्चन का आंसर वयस्क तो बिल्कुल सही किया है, क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, और वेरी गुड अगर आपने चूज किया था ऑप्शन नंबर डी को ही। तो देखिएगा बढ़ते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हृदय के लिए भाग में कार्डिटेंडिनी पाई जाती है, मतलब आपको क्या पूछा था कंडरा रज्जू। तो देखिएगा आपका साइनस वेनोसस, आपका आलिंद, या फिर आपका महाधमनी, या फिर आपका नीलय। तो बात कर लूँ मैं इस 25 नंबर के आंसर की, तो अगर आप सभी बच्चों ने चूज़ किया है नीलय के बारे में आपको सब कुछ पता है, ये हार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो देखिएगा हार्ट के आपके कितने चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, एक होता है आपका बाह्य आलिंद, एक होता है आपका दाह्य आलिंद, एक होता है आपका बाह्य नीलय, और एक होता है दाह्य नीलय। और यहाँ पर आपका 2 वेलनी कपाट पाया जाता है, यहाँ पर आपको 3 वेलनी कपाट पाया जाता है। यह सब कुछ हमारी रेगुलर क्लासेस में आपको बता रखा है मैंने। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी बच्चों में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी मान की कमी होने पर हमारी बीमारी हो जाती है, कमी होने पर एक बीमारी हो जाती है जिसे निम्न कहा जाता है। तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, मिनी मादा कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, या फिर आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे, या फिर आपका कोशिका रोग कहेंगे चलेगा। तो देखिएगा राइट आंसर की बात कर लूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सूखा रोग।
चलिए, मिरास्म रोग जो होता है, जो कहते हैं जिसे हम लोग सूखा रोग, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा है आपको, डिजीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, बट इसने घुमा दिया आपको डिजीज़ में ही कि आपको कैसा क्वेश्चन दिया है। देखिएगा विश्व बैंक रिपोर्ट 1988 से 1995 के अनुसार मनुष्य की औसतन जीवन आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए, किसके अनुसार आपका डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। और वर्ल्ड बैंक की बात कर लूँ तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपसे बाय चांस कभी पूछ लिया है तो, पर पूछेगा तो नहीं, ये जीके का क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा सही आंसर की बात कर लूँ तो देखिएगा पहले क्या था, कम से कम आप लोग 65 साल जीते थे, बट जो है रिपोर्ट चेंज होगी, कम से कम आपकी आयु कितनी, आप मैक्सिमम आप 60 साल जी सकते हैं, 60 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, 60.4। ठीक है, चलिए तो ये इनकी रिपोर्ट के अनुसार है, बाकी इंसान तो 100 साल भी जी लेता है और हम भी चाहते हैं कि आप लोग 100 साल भी जिए। चलिए, और अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें गाइस। चलिए, क्योंकि जिसे जॉब लगती है उन्हें ही पता रहती है जॉब की कद्र क्या है। चलिए, आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आपको लगता होगा सर कब कब जॉब लगे, तो बस यही चाहते हैं, तैयारी करते रहिए, जॉब आपके पीछे आएगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन की धान ट्रांसफ्यूड किया गया था जिसे एक ऐसे व्यक्ति से एकत्र किया गया जो विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिरक्षी किया गया है। इस मामले में व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा या फिर आपका स्व प्रतिरक्षकता या फिर आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा या फिर आपका एंटीबॉडी। तो बात कर लूँ इसके करेक्ट आंसर की, तो अगर आपने चूज़ किया है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए पैसिव इम्यूनिटी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा जिन्हें ऑलरेडी पता होगा। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि मनुष्य में खालिस्तान होने के कारण वानर से भिन्न होता है। देखिएगा परिग्रहण हाथ होते हैं, भुजाओं की तुलना में लंबे पैर होते हैं, उभरे हुए जबड़े होते हैं या फिर आपका बाल और साकेट ज्वाइंट होते हैं क्या। चलिए करेक्ट आंसर आप सभी बच्चे नीचे आपको सोचना है, आपको मन में सोचना है और कमेंट्स बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, अगर आपने बी चूज़ किया है भुजाओं की तुलना में लंबे पैर होते हैं, आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए बड़े आगे देखिएगा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिएगा समझते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि त्रिपाद नामकरण खालिस्तान नामों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए रखा गया आपका प्रजाति की स्तर से नीचे टेक्सा के लिए या फिर आपका पादप वर्गक के लिए या फिर पशु वर्गक के लिए या फिर आपका सूक्ष्म जीवों के लिए। तो करेक्ट आंसर की बात कर लूँ, अगर आप सभी विद्यार्थियों ने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का जो सेट किया गया है, मैंने 15 क्वेश्चन जो करवाया आपको, तो गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए ही अधिक आंसर आया है। चलिए प्रतिजीवों के स्तर से नीचे टेक्सा के लिए वर्गक के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट है और वेरी गुड। चलेगा तो ये थे आपके जो है जो 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको, क्लास का रिविज़न जरूर करें गाइस और क्लास के प्रति अपना रिव्यू बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी ऐसा लगे। और पसंद आता है सेशन तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लासेस ला सकें। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रहेंगे। अगर आप लोग न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट महत्वपूर्ण क्लासेस आपको डेली अपलोड होती है। मॉर्निंग 6 बजे से हमारे सेशन सभी स्टार्ट रहते हैं और दिन भर रिकॉर्डेड भी क्लासेस अपलोड होती है। तो जय हिंद गाइस, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलने वाला हूँ। जय हिंद, नमस्ते, हैव अ नाइस डे।